चलिए सबसे पहले मैं आज ऊपर वाला को धन्यवाद करना चाहूँगी जो मानव जोनि में हमें इस धरती पर भेजे, उनके लिए एक धन्यवाद के रूप में एक जोरदार तालियां। दूसरा धन्यवाद उन माता पिता और सास ससुर को देना चाहूँगी जिनके संस्कार और आशीर्वाद के वजह से आज का दिन एंजॉय करने का मौका मिला है, उनके लिए भी एक धन्यवाद के रूप में ताली। तीसरा उन महान गुरुओं को मैं सिर झुका के नमन करती हूँ जिनके मार्गदर्शन और प्यार और सपोर्ट के वजह से आज मैं यहाँ डायमंड शिप का एंजॉय कर रही हूँ, आज यहाँ तक पहुँची हूँ। थैंक यू सर। आगे मैं यही बात करना चाहूँगी कि सेफ शॉप से पहले का जीवन मेरा क्या था और सेफ शॉप के बाद मेरा जीवन क्या हुआ। सुनना चाहेंगे कितने लोग? क्या बात है। चलिए, मेरा नाम नयन देवी हुआ और शादी से पहले हम पांच भाई बहन जिसमें सबसे छोटी मैं हूँ। आप लोग देखे, भाई लोग आए थे और पढ़ाई लिखाई जारी होने के बाद 8वां क्लास पास कर लिए, 9th में जाना था तो भैया एडमिशन करा नहीं रहे थे कि युग जमाना ख़राब है, ये कैसे दूर जाएंगी पढ़ने के लिए। लेकिन एक ही बार मैं भैया से बोली कि कोई भी चीज़ ऐसा गलत सुन लीजिएगा तो मेरा पैर काट करके उस नदी में फेंक दीजिएगा। तब जा करके हाई स्कूल में एडमिशन हुआ। हम लोग 4 किलोमीटर दूर पढ़ने जाते थे और 4 किलोमीटर दूर पैदल फिर आते भी थे। उस समय साइकिल नहीं था कि साइकिल से ही पढ़ने जाते, लेकिन पढ़ने का मुझे बहुत जिज्ञासा होता था। लेकिन जब ऊपर से धूप और नीचे से पैर जलता था उस समय भगवान से मैं एक ही बात कहती थी कि हे भगवान, ये मेहनत पढ़ाई का जो है एक दिन ज़रूर कामयाब करके दिखा देना, आप आशीर्वाद देना कि मैं कामयाबी को हासिल करूँगी। आज ऊपर वाले के वजह से आज का दिन कामयाबी हासिल हो गया। आगे पढ़ाई जारी होने के बाद 96 में मेरा मैट्रिक का एग्ज़ाम था, फरवरी में मेरा एग्ज़ाम था और जनवरी में पिताजी का देहांत हो गया। आज शायद होते तो कितना अच्छा मुझे लगता, लेकिन आज नहीं है, बहुत दुख है मुझे। लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद मेरा रिजल्ट नहीं आया, यानी कि हम फेल हो गए। लेकिन फिर 98 में मेरा शादी हो गया, ससुराल में चली गई। ससुराल जाने के बाद फिर वहाँ के लोग बोले, मैं बोली कि पढ़ाई करूँगी, कम से कम मैट्रिक का सर्टिफिकेट की मुझे ज़रूरत है, रहेगा तो मैं कहीं भी काम कर लूँगी। ससुराल वाले बोले कि अब पथरा गाँव में पढ़ लिख कर क्या करेगी, यहाँ खेती ही तो करना है। तो फिर मैं लड़ झगड़ के कैसे भी ससुराल वालों से मैं पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद एग्ज़ाम दी, 2nd डिवीज़न पास हो गई। थैंक यू। उसके बाद अब मुझे लगता था, हमारे हस्बैंड खेतीबाड़ी करते थे, बहुत मेहनत करते थे और खेत में अनाज उतना हो जाता था खाने पीने के लायक, लेकिन पैसे बचते नहीं थे। जो चीज़ की मुझे कमी होता था तब तो मुझे बड़ा दर्द होता था। बच्चे भी आने लगे और बच्चे का परवरिश भी शुरू हो गया, पैसे नहीं रहते थे
कि बच्चे का भी अच्छा से परवरिश कर पाए। लेकिन एक बार क्या हुआ कि मेरा बेटा का इतना तबीयत ज़्यादा खराब हो गया कि उसके इलाज के लिए पैसा नहीं था। सेब शॉप से पहले की बात है, इतना मतलब दुबला पतला हो गया था कि उसे उठा करके मुझे पानी पिलाना पड़ता था। पैसे के अभाव में ऐसा हुआ। तब मुझे लगा कि हस्बैंड अकेले करते हैं और कुछ पैसा बढ़ेगा, हम भी कुछ करेंगे तो अच्छा रहेगा। हस्बैंड हमारे सोचे कि चलिए अपनी खेती बाड़ी से कुछ नहीं हो रहा है तो सब्जी का कारोबार करना शुरू करते, कुछ और पैसा हो जाएगा। उसे भी कुछ होता नहीं था, हर चीज़ का तकलीफ मुझे होता था। तो एक बात याद आया कि मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं बैठ के क्या करूँगी, सिर्फ रोटी ही बनाएंगे क्या, हाँ या ना? तो मैं इनसे बोली कि मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि एक झटका में जब पैसे की अभाव होता है, महिलाएं जानती हैं कि बहुत दर्द होता है। 50 रुपये के वजह से मेरा सोच इतना बदल गया कि मैं उसी समय डिसीजन ले ली कि चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, नैन देवी कुछ ना कुछ करके रहेंगी। थैंक यू। उसके बाद मैं उनसे बोली कि मुझे भी कुछ करवा दीजिए, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी, पढ़ लिख कर बेकार नहीं रहूंगी। उसी समय आंगनबाड़ी का बहाली हुआ था, 70,000 घूस देने के बाद आंगनबाड़ी में बहाली हुआ। 1,000 रुपया महीना और 5,300 रुपया पोषाहार मिलता था। 500 रुपया और बढ़ गया, 1,500 रुपया हो गया, 11,000 पोषाहार हो गया। पोषाहार अपना है क्या, वो तो बिल्कुल ब्लैक मनी है। अब मुझे लगा कि अभी यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है, बच्चे का पढ़ाई लिखाई, अच्छा कपड़ा भी पहनने का नहीं था, नया अच्छा भोजन मिल पाता था, पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात है। कैसे भी सरकारी स्कूल में एडमिशन हुआ, बच्चे पढ़ने लगे। अभी बड़ा बेटा जो बोला वो सही बोला है। आगे फिर हम लोग काम, अब वही सोचे कि कुछ ऐसा, मतलब दिमाग में हमेशा चलता था, जब जब दर्द होता था, पैसे का अभाव महसूस होता था, तब तब मुझे लगता था कि हे भगवान, कोई ऐसा काम देना कि मेहनत कम करना पड़े और इनकम ज़्यादा आए। ऐसा हमेशा मन में चलता था। आप लोग के मन में चलता है क्या? कितने लोग को चलता है? क्या बात है, सारे जैसे मेरे जैसे। ऊपर वाले ने मेरी पुकार को सुनी और उसी पीरियड में सेब शॉप हमारे जीवन में वरदान बन के आ गया। अब प्लान जब मिला था हमारे घर में, आप लोग डॉक्यूमेंट्री में देखे होंगे कि हम सेमिनार में प्लान नहीं देखे हैं, चारपाई पे बैठ के हम लोग प्लान देखे, जो व्यक्ति आए थे दिखाए, और दिखाने के बाद हमारे हस्बैंड सीधे बोले कि ये सब फालतू का काम है, करना नहीं है, आता है और चला जाता है, ऐसे थोड़े होता है कि करोड़पति लोग बन जाते हैं। तो मैं उनको समझाने का प्रयास करती थी कि क्या फर्क पड़ता है, प्रोडक्ट एक बार जीवन में तो खरीदना है, जाने के नाम पर कुछ है क्या? तो बोलते थे कि बात तो सही है लेकिन फिर करना नहीं है तो फालतू का पैसा फंसाने से क्या है। डिसीजन लाख समझाने के बाद नहीं करते थे, लेकिन एक बार फिर वो घर पे आए। आने के बाद वो घर से बाहर जा रहे थे खेतों में काम करने के लिए, और आ करके बता गए कि वो फिर हमारे घर आ रहे हैं, कि गलती से ज्वाइन नहीं करना। हम बोले कि ठीक है, आपका जब यही विचार है कि सेब शॉप नहीं करना है तो नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इतना मना करके और बोल करके फिर चले गए अपने काम में। वो फिर घर पे आए, आने के बाद फिर से वही बात बताया सेब शॉप का। मैं सोची कि ठीक है, मुझे तो करने का इच्छा है, आज मैं डिसीजन ले ही लेती हूँ। मैं हस्बैंड के खिलाफ बिना बताए मैं चुपे से फॉर्म को साइन कर लिया। उस समय 350 रुपया फॉर्म का लगता था, और फॉर्म भर लिए, कुछ पैसा था वो पैसा भी दे दिए,
और वो चले गए। फिर शाम को वापस घर पे आए तो हमसे पूछे क्या हुआ। हम लोग कुछ नहीं हुआ। तो फॉर्म वॉर्म भरी तो नहीं। हम लोग नहीं, आपके विरोध में थोड़े जाऊंगी। फिर वो बोले कि क्या, अच्छा तो आए थे तो वो क्या बोले। हम बोले कि यही बात बोले कि यदि एक बार सेमिनार अटेंड कर लेते हैं तो बार बार घर पे नहीं आएंगे, आ यदि सेमिनार अटेंड नहीं करेंगे तो बार बार घर पे आएंगे। आपका क्या विचार है। तो बोले कि बात तो सही है, एक बार देख ही लेना चाहिए, फिर भी नहीं करना है तो फिर काय के लिए समय बर्बाद करें। उस समय एक इलाज चलता था सिवान का, एक दवाई का पर्ची देकर मैं समझा के भेजी उनको कि आपका दवा भी आ जाएगा, सेमिनार भी देख लेंगे, वो व्यक्ति बार बार घर भी नहीं आएंगे। तो लेकिन हाँ ये बात बढ़िया है। तब वो तैयार हुए और गए। जाने के बाद सेमिनार अटेंड करने के बाद अच्छा लग गया। सेमिनार अटेंड करने के बाद किसी को खराब भी लगता है क्या, उनको भी अच्छा लग गया। और बताया जाता है सप्ताह का 2 लाख और महीने का 8 लाख। तो बोले कि ठीक है, नई डिसीजन ले रहे थे। बोले कि हाँ काम तो बढ़िया है लेकिन मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो इस बिजनेस को कैसे करूंगा। अब उस बीच में थे राम सागर सर। हम चाहेंगे राम सागर सर के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया उनको समझाए कहानी के माध्यम से, अच्छा लगा, ज्वाइन कर लिए। उसके बाद घर गए, दावा लेकर के नहीं गए। और जाके बोले कि दावा तो लेके नहीं आए हैं लेकिन वो बिजनेस ज्वाइन कर लिए। मैं नहीं मन तो मैं खुशी थी। तो बोले, तब मैं पूछे आगे क्या हुआ। तो बोले कि हाँ कल पैसा के लिए भी बुला लिए हैं, कोट पैंट का कपड़ा लिए हैं। बोले कि ठीक है, शुरुआत हो गया उनका। आगे फिर अगला संडे आया दूसरा, उनके लिए दूसरा, मेरे लिए पहला। मैं उनसे पूछी कि आप कौन सा काम मतलब शुरू किए हैं, जरा एक बार हमको भी दिखा दीजिए। बोले कि अच्छा ठीक है, तो कोई भी काम कर सकता है, चलिए आपको भी दिखा देते हैं। सेमिनार हम भी गए तो मुझे तो पता था ही, एक आदमी तो जुड़ गए हैं, एक आदमी की व्यवस्था और करना है। जिस स्कूल में मेरा आंगनबाड़ी का सेंटर चलता था उस स्कूल के एक टीचर थे, मैं उनको इन्वाइट की। जैसे मैं उनको इन्वाइट की वो बोले कि अच्छा किसी लेडीज के साथ मैं नहीं जाता, मैं मेरे मैडम से आपको बात करना पड़ेगा। हम बोले कि ठीक है, बात कर लेते हैं। उनकी मैडम से बात किए तो बोले कि ठीक है लेके जाइए। दूसरे संडे में हम लोग 3 आदमी गए, मास्टर साहब और हम दोनों हस्बैंड वाइफ। जाने के बाद मास्टर साहब ही फॉर्म भर दिए, उनका भी डिग्री कंप्लीट हो गया। और मैं अपने हस्बैंड से पूछी कि अब मेरे लिए क्या सोच रहे। हाँ हाँ कोई भी आदमी काम तो कर ही सकता है लेकिन पैसा नहीं है। कितना मेहनत करने के बाद वही पैसा इकट्ठा किए थे और मेरा ज्वाइनिंग तो हो ही गया। और वो अपने आईडी से पैसा कमाएंगे तो आपका भी ज्वाइनिंग हो जाएगा। हम बोले कि ठीक है, अब मेरे फेवर वाला तो बात भी गया। तो हम उनसे बोले कि ठीक है मैं भी तो कर ही सकती हूँ ना। तो हाँ हाँ कर सकती है लेकिन पैसा कमाते हैं ना, आपका भी ज्वाइनिंग करा देंगे। तब मैं सोचे कि अच्छा मेरे नीचे आप जुड़ गए, आपसे पहले मैं जुड़ी और मेरे नीचे आप दोनों आदमी जुड़ भी गए हैं। बोले कि बड़ा चलाक निकली। हम लोग को मौका तो पहले आप ही को दिए थे लेकिन आप नहीं किए तो फिर हमें तो करना ही है। तब से हम लोग आपस में काम करने का डिसीजन शुरू कर दिए। मेरा भी ज्वाइनिंग हो गया पहले, उसके बाद हस्बैंड का हुआ। बहुत सारे महिलाएं बोलती है कि हस्बैंड से बिना पूछे कोई हम काम नहीं करते हैं, हाँ कि ना। बहुत सारी महिलाएं हैं कि नहीं, कितनी महिलाएं हैं जरा हाथ उठा के दिखा दें। बहुत सारी हैं, बहुत सारे लोग महिला कहती हैं कि हस्बैंड से बिना पूछे कुछ करते नहीं। भाई हस्बैंड से बिना पूछे तो जिंदगी बदल गया, हाँ कि ना। उसके बाद हम लोग काम करने के लिए सोचे आगे। सिवान हम लोग
गाड़ी भर के लेके जाते थे, उसमें फॉर्म तो साइन हो जाता था लेकिन डीडी नहीं निकलता था। बहुत दिक्कत होता था, सर से बात होता था तो सर एक बार बोले कि ठीक है सिस्टम से आप लोग काम कीजिए। अब सिस्टम क्या होता है तो फिर फ्राइडे ट्रेनिंग में बताए, संडे सेमिनार फ्राइडे ट्रेनिंग। उसी बीच में जयप्रकाश सर भी आए, उनके लिए भी एक जोरदार ताली हो जाए। वो आए घर पे, ज़बरदस्त तरीका से समझाए कि ऐसा ऐसा करने से आपका काम आगे बढ़ेगा। उसके बाद फिर बीच में आ जाए पंडित सर के लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद सर, जो उनके माध्यम से कोर ट्रेनिंग हम लोग को ज़बरदस्त मिला और कोर ट्रेनिंग से बहुत सारे विजन क्लियर हुआ और सर बोलने का हिम्मत दिए। और उसके बाद हमारे घर पे भरत सर को भेजा गया कि जाओ उन लोग को सपोर्ट करो। हम चाहेंगे भरत सर के लिए भी एक जोरदार ताली हो जाए। भरत सर भी सपोर्ट करते थे, प्लान फॉलोअप, आगे काम बढ़ने लगा। फिर लोग जुड़ तो रहे थे लेकिन ट्रेनिंग में टीम सिस्टम से नहीं रहते थे। ये भी एक दिमाग लगता था कि भाई अब इसके लिए क्या करें। तो फिर आगे बात हुआ, हम सभी के चहेते, हम सभी के बेताज बादशाह मिस्टर सत्येंद्र सर के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। सर से संपर्क हुआ, सर बहुत सारी बातें समझाए। एक बार सर के नंबर मुझे नहीं मिल रहा था, काम सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। मैं आंगनबाड़ी में बच्चों का एडमिशन करने के हाजिरी बोला जाता है, बोलने के बाद मैं सोच रही थी और रो रही थी कि आखिर सर का नंबर मेरे पास आ क्यों नहीं रहा है, कोई आदमी मुझे देख क्यों नहीं रहा है। उसी समय सर का फोन गया कि नयन जी मैं सत्येंद्र प्रसाद आगरा से बोल रहा हूँ, मेरे आँख का आंसू और मेरी आवाज़ को सुन करके सर बोले कि क्या हुआ नयन जी। हम बोले सर कि जिस चीज़ की इंतज़ार था आपका फोन आ गया, यही खुशी के आंसू है। तो सर बोले कोई बात नहीं, आज से नंबर सेव करो और हम आपके साथ हैं, आपको जब ज़रूरत पड़े तब फोन करना बेहिचक और हम वहाँ तक लेके जाएंगे जिस चाह के लिए आप इस बिजनेस में जुड़ी हो। लगातार हम लोग संडे सेमिनार फ्राइडे ट्रेनिंग सर जो बोलते थे वो हम लोग करते गए। एक बार जयप्रकाश सर बोले कि ये फोटो देख रहे हैं ना, ये फलाना फलाना आदमी का नाम रख करके बताए। हम बोले कि सर ये सब झूठ है, ये तो फिल्म का भी हो सकता है। तो सर बोले कि अच्छा कैसे भरोसा होगा। हम बोले कि सर उन लोग से मिलेंगे देखेंगे तो भरोसा होगा। उसके बाद हम लोग डायमंड सेलिब्रेशन में आए, अभी हस्बैंड बता गए, उस दिन मुट्ठी बांधे कि चाहे कुछ भी हो जाए एक बार डायमंड तो जरूर बनेंगे। थैंक यू। आगे फिर डायमंडशिप तो देख लिए थे, काम करना चाह रहे थे, काम हो भी रहा था। अप डाउन अप डाउन अप डाउन, अपना भी हौसला अप डाउन होता था लेकिन सर विश्वास के रूप में हमेशा खड़े रहते थे। एक बार सर गोपालगंज में गए, हम लोग को मिलने का मौका मिला सर से, तो सर दिशा ट्रेनिंग के बारे में बहुत बढ़िया समझाए। पहले तो सर फोन से समझाने का प्रयास किए लेकिन फोन से हम लोग बहुत काम करने वाले बन गए। फोन से बहुत सारे लीडर काम करने वाले बनते हैं कि नहीं सर, बहुत प्लान है, बहुत फॉलोअप में। क्यों? क्योंकि 6,000 रुपये की बात था। अब सर सोचे कि अब तो मानेगी नहीं। सर आए गोपालगंज में, अब बोले एक ही बात बोले कि नहीं जी डायमंड बनना है तो दिशा ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। और पैसा है कि नहीं है हम नहीं जानते, कहीं से आप पैसा लेके आओ और दिशा में चलना है। मेरे पास पैसा बहुत कम था लेकिन कुछ पैसा 5% के ब्याज पर पैसा ले करके हम दोनों आदमी गए।
नैनीताल, और वहाँ जब गए उतने शानदार लग्जरियस रूम देख करके वहीं पे मेरा सोच बदल गया कि दिशा ऐसा चीज है कि जो एक बार दिशा में चला जाएगा वह मुट्ठी बांधेगा कि ये जीवन तो हमेशा के लिए। और दिशा में विजन क्लियर हो गया, और लगातार ट्रेनिंग मीटिंग करने के बावजूद सर कभी गोपालगंज में फंक्शन में जाते थे, कभी ट्रेनिंग में जाते थे, कभी फ़ोन से समझाते थे। जब जब मुझे निगेटिविटी चाहे जब जब लगता था कि हम नहीं कर पाएंगे, तब तब सर फोन से हम लोग को हौसला देते रहे कि नैन जी पेशेंस रखो, एक दिन डायमंड जरूर बन के दिखाओगी। थैंक यू। काम करने के पीरियड में बहुत सारे दिक्कत, बहुत सारे परेशानी आया। सेफ शॉप से पैसा अभी नहीं आ रहा था उतना, काम करने का हौसला था। बड़ा बेटा का ज्वेंडिस इतना बढ़ गया, क्योंकि हम लोग रूम लेकर के रहते थे गोपालगंज में, बच्चे का देखरेख और समय नहीं दे पाते थे। 9 पॉइंट के करीब हो गया था। जब गोपालगंज में हम लोग लेके गए तो उस समय डॉक्टर जवाब दे दिया कि दूसरे डॉक्टर के पास लेके जाइए कहीं बाहर। फिर दूसरे डॉक्टर को गोपालगंज में हम लोग दिखाने के लिए ले गए, वो भी जवाब दिया कि दूसरे जगह लेके जाइए। लेकिन फिर भी हम लोग रिक्वेस्ट किए कि एक बार इसे देखा जाए। रिक्वेस्ट माने और इलाज करना शुरू किए, बच्चा भी अच्छा होने लगा। और जैसे अच्छा हुआ फिर उनको घर ले जाकर छोड़ दिए, और घर पे हमारे आज हजूर जी नहीं आए हैं, हमारी जेठानी नहीं आई है, और जेठानी का एक बड़ी लड़की और एक छोटा लड़का नहीं आए हैं। उन लोग का इतना सपोर्ट घर से मिला है जितना हम लोग बाहर से किए हैं। हम चाहेंगे कि उनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू। क्योंकि हर कंडीशन में वही बच्चे का देख रेख, खाना बनाना, खिलाना, कपड़ा धोना, सारा चीज़ वही लोग करता था, और हम लोग सेफ शॉप का काम करते थे। अभी हस्बैंड का आप लोग स्पीच सुने कि घर से हम लोग गोपालगंज में गए, गोपालगंज से सीधे राजधानी में आ गए। इस बीच में भी तो बहुत सारा उतरा चढ़ा आया होगा, हाँ कि ना? लेकिन सारे दुख तकलीफ और बधाए को सामना करते हुए एक ही चीज़ था, इस शरीर के एक एक बूंद जो है वो सब सेफ शॉप का है। जीते हैं मरते हैं सेफ शॉप का गाना गाते हैं, और जब तक जिएंगे धरती पर तब तक सेफ शॉप का ही गाना गाएंगे। इस तरह से हम लोग काम करते चले गए, सिल्वर गोल्ड पर्ल टोपाज रूबी बन गए, आज का दिन यहाँ तक पहुँचे। आगे जब हम लोग अचीवमेंट की बात है, अभी हमारे हस्बैंड बोले, घड़ी के बारे में बोले ना, आप लोग सुने कि नहीं? आज इस सेफ शॉप के बदौलत और सेफ शॉप में आने के बाद ही हम लोग ब्रांड का नाम जानते हैं। पहले मुझे ब्रांड पता नहीं था कि ब्रांड होता क्या है, हाँ कि ना? मुझे पहले पता नहीं था, यानी कि बिजनेस को शुरुआत हम एक साइकिल से किए, और हर बैल चलाने वाला व्यक्ति आज कार चलाने वाला बन गया। आज एसी टॉप मॉडल स्पार्क कार से हम लोग बिजनेस करते हैं। आगे हम लोग इस बिजनेस के बदौलत, हमारे फैमिली में अभी पासपोर्ट नहीं था किसी के पास, एरोप्लेन का सफर जो किए इस बिजनेस के बदौलत, जो हम कभी सोचे नहीं थे। अभी हमारे हस्बैंड थाईलैंड, बैंकॉक और पटाया घूम के आए इसी बिजनेस के बदौलत। थैंक यू। यानी कि आज जो कहा जाता है जीवन बदलना, ये सेफ शॉप के बदौलत आज जीवन बदला है। मुझे भी बहुत शौक रहता था कि एक अंगूठी भी हाथ में आ जाता, लेकिन पैसे के अभाव में एक अंगूठी कौन कहे,
एक चांदी का भी अंगूठी नसीब नहीं होता था, लेकिन वही आज सेफ शॉप के बदौलत आज दोनों आदमी के हाथ में अंगूठी देख रहे हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कभी घड़ी के बारे में अभी बताया हस्बैंड, अभी उनके कलाई में जो घड़ी था वो राडो का ब्रांड घड़ी था। अभी मोबाइल आंगनबाड़ी में आने के बाद 1000 रुपये का मोबाइल खरीदे थे, कभी सपनों में नहीं सोचे थे कि 10000 का भी मोबाइल होगा, लेकिन आज सेफ शॉप के बदौलत आईफोन एप्पल का 11 प्रो 1,13,900। अपने हस्बैंड के लिए राडो का घड़ी, अपने लिए एप्पल का फ़ोन लिए, आज यहाँ तक आने में भरपूर सपोर्ट हमारे हस्बैंड का है, हर कदम पे साथ देते रहे। हम चाहेंगे कि उनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए, वो नहीं रहते तो हम यहाँ तक पहुँचे नहीं होते। आज उनको भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। हर जन्म में ऐसा पति मुझे मिले और सेफ शॉप में हर जन्म में 8 लाख मिलते रहे। पुराने वाले ही तो आईडी चाहिए। दोस्तों, देश विदेश घूमने के बाद लगता है कि वाकई में दुनिया ऐसा भी होता है। जब मैं पहले बार 3 स्टार होटल में गई थी तो लगा कि ऐसा भी दुनिया होता है। आज हिंदुस्तान के कई ऐसे शहर है जिसमें 5 स्टार होटल 3 स्टार का होटल का मज़ा हम दोनों आदमी लिए हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, जिस ताली वही बजाता है जिसके ताली वो नहीं बजाता है जिसके दिलों में गम होता है, ताली तो वो बजाते हैं जिसके हाथों में दम होता है। एक बात मुझे और याद आ रहा है कि लेडीज के नाते कोई अपना पहचान नहीं था। जन्म हुआ तो पापा जी के नाम से पहचाने जाते थे, शादी हुआ तो हस्बैंड के नाम से पहचाने जाते थे, जब बच्चे हुए तो बच्चे के नाम से पहचाने जाते थे, अपना कोई पहचान नहीं था। लेकिन सेफ शॉप में डिसीजन लेने के बाद, मेहनत करने के बाद आज खुद का पहचान पूरे हिंदुस्तान जानता है, नंद जी है। और सतीश सर को भी धन्यवाद करेंगे कि मेरे नेटवर्क में भी सर जाते रहते हैं, कभी भी सर का समय मांगा गया हो और समय न मिला हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और अनिल सर को भी हमारे तरफ से धन्यवाद सर, आज सर का भी मेरे नेटवर्क में काफ़ी समय मिलता है। आगे जो भी फ्रंट लाइन में बैठे हैं, आज राजकुमार जी का भी समय मिला है, धन्यवाद सर। सर का आपको भी धन्यवाद सर, क्योंकि किसी ना किसी रूप में जो आज यहाँ पे मौजूद है या मौजूद नहीं है, ऑडियो हो चाहे वीडियो हो, हर एक एक आदमी का स्पीच सुन करके सीख करके यहाँ तक मैं आई हूँ। यहाँ तक आने में आगे बैठे फ्रंट लाइन के सभी आदमी का हाथ है, सबको सिर झुका के नमन करती हूँ। और सबसे बड़ी बात ये, यहाँ तक आने में जो मेहनत हमारा टीम किया, तो हम कभी ये टीम नहीं बोला कि आज हम ये काम नहीं करेंगे या आराम करेंगे, यानी कि दिन रात एक करके मेहनत किया। आज उनके मेहनत के बदौलत आज ये डायमंड का बेल्ट मिल पाया। आज इतने सारे लोग आए हैं, कभी मैं सपनों में नहीं सोची थी कि मेरे सम्मान में इतने सारे लोग होंगे। मुझे आज कितना खुशी हो रहा है, मेरे अभी तक का जीवन का आज का सर्वश्रेष्ठ दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। कितना खुशी हो रहा है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आप लोग देख रहे होंगे कि एक अंधे को आँख मिल जाता है तो कितनी बड़ी खुशी होती है, हाँ कि ना? तो आज इस बिजनेस ने हमें वो चीज़ दिया,
पांच डायरेक्टर के लिए, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लिए। आज हर एक चीज हर आदमी से सीखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। और आज वाकई में बहुत अच्छा फील हो रहा है और मेरा जीवन बदला है। तो ये सेफ शॉप और मेंटर्स और सिस्टम के वजह से आज सारा का सारा क्रेडिट इन्हीं सभी लोगों को जाता है। दोस्तों आगे यहाँ से जो जितने लोग आज आए हुए हैं, मेरे डायमंड शिप का शोभा बढ़ाए हैं, सबको दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं इस बड़े स्टेज से कमिटमेंट करती हूँ कि जो भी हमारे साथ सिस्टम का साथ और बात को मानेंगे और फॉलो करेंगे, बहुत ही जल्द यहाँ से डायमंड बना के खड़ा करूँगी। बहुत ही जल्द मैं डायमंड बना के खड़ा करूँगी। ये आग मुझे आज जो लगा वो बुझेगा नहीं जब तक यहाँ से मैं डायमंड का लाइन नहीं लगा देती हूँ। डायमंडों का लाइन लगाऊंगी यहाँ से। तैयार है सारे लोग? एक बार खड़े होकर दिखाइए, एक आवाज में बोलिए कि हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं रुकेंगे। रोकना है तो रोक जा भाई, लेकिन हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं रुकेंगे। आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, डायमंड। थैंक यू, आप सभी लोग आए मेरे डायमंड शिप में शोभा बढ़ाए। आज सबसे महत्वपूर्ण